पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बताएं कि साद रिजवी जो जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको गिरफ्तार करने की वजह क्या है, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। एक चीज ये भी सामने आ रही है कि पीर अफजल कादरी हैं, उन्होंने भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाए हुए हैं। आप उसके हकायक बताएं कि असल वजह क्यों है जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर ये अनार्की का टाइप फैली हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह आपके पास है क्या? पंजाब हुकूमत बताएगी क्यों गिरफ्तार किया गया और उनके साथ जो मुआहदा किया गया था तो मुआहदे पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, उनकी गिरफ्तारी ही क्यों? इस पे चूँकि ये मुआहदा वफाकी हुकूमत ने किया, वफाकी हुकूमत के जुम्मेदारान इस हवाले से बेहतर जवाब दे सकते हैं। जो शख्स भी नक्शे अमने आमा पैदा करेगा, आवाम की बुनियादी ज़िंदगी के अंदर तातल पैदा करेगा, आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, तो हुकूमत उसके साथ आनी हाथों से निपटेगी। और इसी लिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मुजाहरीन के ख़िलाफ़ हम आइनी हाथ इस्तेमाल करेंगे और हर तरीका वो अडाप्ट करेंगे जिसके तहत हम उनको कानून के दायरा कार में ला सकें, क्योंकि मुजाहरीन के गैर जुम्मेदाराना रवैये जो हैं वो आवाम की और उनकी जान और माल की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहे हैं। तो ये तमाम जो अवामल हैं उनको वफाकी हुकूमत का डोमेन है, वफाकी हुकूमत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के जो जुम्मेदारान हैं वो इस हवाले से बेहतर जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हुकूमत पंजाब जो है जो कानून को ललकारेगा वो कानूनी तकाजे पूरे करना हमारी मजबूरी है और उसको हम बेनकाब करेंगे। आपने नक्शे अमन की बात की है तो गिरफ्तार तो उसको पंजाब पुलिस ने किया है, हालांकि 20 अप्रैल डेडलाइन है उनके साथ मुआहदे की। अमन को खराब करने की कोशिश तो हुकूमत की जानिब से और इदारों की जानिब से की गई है, एक्शन आपने किया, रिएक्शन वो दे रहे हैं तो आप उनको उन्हीं पे जिम्मेदारी करार दे रहे होंगे। इस पे जो है इसके गिरफ्तार किया इसके तमाम तर जो अमूर हैं जो इस पे आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इस पे ना हम बहस करें तो बेहतर है, क्योंकि ना आपके मुफाद में है ना मुल्क के मुफाद में है। हमें ये देखना है कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स जो है अगर शराफत से आइडियल एनवायरनमेंट में इतने अरसे से भी वो बैठे हुए थे उसको किसी ने क्यों नहीं गिरफ़्तार किया। कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी अमल में आई है, और ये इसके साथ जुड़े जितने भी हकायक हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपके सामने शेयर करेगी। ये मेरे डोमेन और मैंडेट में नहीं आता।